हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडे शॉर्ट ब्लॉग। आज का वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ चेन्नई तमिलनाडु में वेजिटेबल मार्केट कैसा होता है और वेजिटेबल हम लोग कैसे लेते हैं, सब देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख के अंदाज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो ओनियन है वो के जी 20 रुपीज़ है। ऐसे करके हर आइटम यहाँ पर रखा हुआ है। आपको जो सामान चाहिए ऐसे आपको खुद लेना है, और जो सामान है सामान का सामने ऐसे लिखा हुआ है इसका केजी कितना है, मतलब 250 ग्राम कितने रुपये होगा, ऐसे करके रेट लिखा हुआ है। आपको ऐसे सामान लेना है, लेके फिर देना है। आपको क्या क्या चाहिए उसी हिसाब से आपको हिसाब करके देंगे, उसी हिसाब से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और वेजिटेबल के लिए मतलब ऐसा ही सिस्टम है, चेन्नई तमिलनाडु में ऐसे करके ही वेजिटेबल सेल करता है और हम लोग ऐसे ऐसे करके ही वेजिटेबल ले लेते हैं। और दोस्तों, अभी आपको दिखाएंगे कच्चा आम। चेन्नई तमिलनाडु में कच्चा आम पूरा साल भर मिल जाता है और यहाँ पे हर आइटम मिल जाता है। सब्जी का जितना आइटम है आपको जितना चाहिए, 250 ग्राम, 500 ग्राम, एक के जितना चाहिए आप ले सकते हैं आपका हिसाब से। और चेन्नई में मिलता है करी पत्ता, और यहाँ का जितना आदमी है ये करी पत्ता मतलब उन लोग हर आदमी यूज़ करता है। जितना सब्जियाँ होगा सब्जी में करी पत्ता यूज़ होता है। और ऐसे करके आप आराम से चेन्नई तमिलनाडु में आराम से आप वेजिटेबल्स मार्केट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आपका हिसाब से आप ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा वीडियो पहले बार देखा होगा। वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बोल देना, आगे देखते रहिए। और दोस्तों, एट लास्ट में आपको जितना आइटम चाहिए एक बर्तन में लेके आना है। आने के बाद यहाँ पे देना है, उन लोग हिसाब करके कितना बिल हुआ है उसके हिसाब से आपको बिल दे देंगे बस।